गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास सिक्स इंग्लिश चैप्टर नंबर 8, कैंडी जेन एंड प्रोफेसर बुगले। स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल्स नेम कैंडी जेन एंड अ पर्सन नेम प्रोफेसर बुगले। लेट स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन लाइन। Myth or stories based on traditional and legend, they describe an event from ancient times or adventures of heroes and god and goddess. Myth, यह एक पौराणिक कथा है, पुरानी परंपरा के आधार पर लिखी गई है। And they describe event from पौराणिक कथाएं प्राचीन गॉड एंड गॉडेज हीरोज के साहसिक कार्यों के बारे में होता है। मिथ थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटीज लाइफ्स एंड बिलीफ ऑफ ओल्डन टाइम्स। और पौराणिक कथाएं उस समय की समाज के रहन सहन और पुराने रीति रिवाजों के आधार पर बिलीव किया जाता है, माना जाता है। ग्रीक मैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड मैथोलॉजीज। ग्रीक मैथोलॉजी ग्रीक पौराणिक कथाएँ एक सभी कथाओं में काफ़ी प्रशंसनीय माना जाता है। इट इज़ फुल ऑफ द एडवेंचरस एज वेल एज हिस्ट्री। और कथाएँ काफ़ी ग्रीक मैथोलॉजी कथाएँ काफ़ी एडवेंचरस मानी जाती हैं, मीन्स साहसिक, बड़ी हिम्मती बहादुरी की कथाएं होती हैं। मैनी पॉपुलर फ्रेजेस इन टूडेज लैंग्वेज केम फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी। दिस इज द स्टोरी ऑफ लिटिल गर्ल्स कैंडी जेन हु डिस्कवर्ड वर्ल्ड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी आफ्टर हर फादर्स कंपेयर हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस माइथोलॉजिकल करेक्टर। यह स्टोरी जेनी कैंडी जेन एक छोटी लड़की के बारे में है, जिसमें उसके पिता उसका कंपेयर तुलना एक मैथोलॉजी करेक्टर से करते हैं। तो हम देखेंगे, यहाँ पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, लाइन टू लाइन बुक ओपन करके रखिए अपना, और मेरे साथ लाइन को मैच करिए। लिटिल कैंडी जेन वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल्स ऑफ 11। लिटिल कैंडी जेन्स 11 ईयर की एक छोटी बड़ी क्यूरियस गर्ल्स है, मीन्स बड़ी भोली भाली उत्सुक लड़की है। शी ऑलवेज गॉट इन टू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल। वह हमेशा परेशानी में ही रहती है और कभी भी अपनी मुसीबत से निकल नहीं पाती है। कहने का मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर वह हमेशा परेशान रहती है। शी लव टू आस्क क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन करना बहुत पसंद होता है। एंड आस्क देम सो ऑफन दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर। और ऐसे क्वेश्चन करती है कि लोग उससे परेशान हो जाते हैं। कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर हु वाज अ गार्डनर। कैंडी जेन पास एक पड़ोसी रहता था जो कि गार्डनर था। बट एवरी वन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बुगले, लेकिन सभी उनको प्रोफेसर बुगले के नाम से जानते थे। बिकॉज ही लव टू रीड, क्योंकि वह पढ़ना पसंद करते थे। बुगले का मतलब स्टूडेंट बुक से रिलेटेड किया गया है, बुक, क्योंकि बुक पढ़ना उनको पसंद था, तो इसलिए लोग प्रोफेसर बुगले कह के पुकारते थे। He was the only person who could answer all of Candy Jane's questions. प्रोफेसर बुगले ही ऐसे पर्सन थे जो कैंडी जेन के हर सवाल का जवाब दे देते थे। One day, Candy Jane's father said to her, "Candy Jane, you are a Pandora's box." एक दिन कैंडी जेन के पिता ने कहा कि तुम एक पेंडोरा बॉक्स हो। आई नेवर नो वाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, मुझे नहीं पता होता है कि तुम क्या करने वाली हो, कब क्या कर दो।
मिस कब क्या क्वेश्चन कर दो, आई डोंट नो, इसलिए तुम पेंडोरा बॉक्स हो। स्टूडेंट, पेंडोरा बॉक्स का मतलब नीचे दिया जाएगा। इसकी कहानी है, क्यूरियस कैंडीजेन लुक अप एट हर फादर एंड सेड, बट फादर आई एम नाइदर पेंडोरा नार अ बॉक्स। तो कैंडीजेन ने पिताजी की तरफ देखा, बोला, पिताजी मैं तो नहीं पेंडोरा हूँ ना ही कोई बॉक्स हूँ। हर फादर रोड, उसके पिताजी उस पर चिल्लाए। कन्फ्यूज कैंडीजेन रैन आउट टू सी प्रोफेसर बुकली हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन। तो परेशान होकर कैंडीजेन वहाँ से प्रोफेसर बोगले के पास चली जाती है। हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन, जो कि प्रोफेसर अपने गार्डन में बैठ के रीडिंग कर रहे थे। प्रोफेसर बोगले टेल्स मी हु इज पेंडोरा बॉक्स, माई फादर कॉल्ड मी अ पेंडोरा बॉक्स। अब कैंडीजिन दौड़ते दौड़ते उनके पास आई और बोली कि प्रोफेसर जी, मुझे बताइए कि पेंडोरा बॉक्स क्या है। माई फादर कॉल्ड मी पेंडोरा बॉक्स, मेरे पिताजी मुझे पेंडोरा बॉक्स कह के पुकारते हैं। आगे बढ़िए, हाँ एक मिनट, यहाँ पे द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडीजिन एंड स्माइल, चाइल्ड इट्स नॉट हु बट वाट। प्रोफेसर जी उसकी कैंडी की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं कि बेटा ये ऐसी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। कम एंड सिट वाइल्स आई टेल यू अ स्टोरी, आओ बैठो मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लाइन टू लाइन मैच करते रहिएगा। मैनी सेंचुरीज अगो द ग्रीक बिलीव्ड इन गॉड हु वेयर लाइक मैन बट वेरी स्ट्रोंग। कई सेंचुरियों पहले ग्रीक पीपल्स में, ग्रीक के रहने वाले ग्रीक पीपल विश्वास करते थे, उनको ऐसा बिलीव था कि गॉड हु वेयर लाइक मैंस बट वेरी स्ट्रांग, कि भगवान मैन की तरह होते हैं और बड़े स्ट्रांग होते थे। ऐसे लोग विश्वास करते थे कि गॉड जो है मैन की तरह होते थे और बड़े ही मजबूत हुआ करते थे। एक कहानी बता रहे हैं मिस्टर प्रोफेसर बुगले, दे कुड चेंज देमसेल्वस इंटू एनी थिंग, मोर्टल मैंस, एनिमल्स, प्लांट एंड आ मॉन्स्टर्स, सेट प्रोफेसर बोगले। और प्रोफेसर बोगले ने बताया, ऐसे लोग थे जो कोई भी रूप में रह सकते थे, मीन्स कोई भी रूप चेंज कर सकते थे, एनिमल का, प्लांट का, राक्षस का। द ग्रेटेस्ट गॉड वॉज ज्यूस, और उनमें सबसे बड़े भगवान ज्यूस हुआ करते थे। ही वॉज वेरी एंग्री विथ मोर्टल्स बिकॉज दे यूज फायर, और ज्यूस बड़े ही क्रोधित वाले व्यक्ति, मतलब भगवान थे, गुस्से वाले भगवान थे, उनके अंदर आग लगी रहती थी, कहने का मतलब गुस्सा बहुत तेज रहता था। फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम ज्यूस बाय अदर गॉड कार्ड प्रोमेथियस। अब क्या हुआ, जो ज्यूस के पास जो फायर था, उस फायर को एक दूसरे भगवान ने, जिसका नाम प्रोमेथेसियस था, उन्होंने चुरा लिया था। ज्यूस ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले। फिर क्या हुआ, ज्यूस ने ऑर्डर दिया कि मिट्टी से पहली महिला का निर्माण किया जाए, एक स्त्री का निर्माण किया जाए मिट्टी से। हर नेम वाज पेंडोरा। जब निर्माण हो गया तो उस वुमेन का नाम पेंडोरा रखा गया, एंड सी वाज सेंड टू द अर्थ, और उसको अर्थ पर भेज दिया गया था। कैंडीजेन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर, पेंडोरा वाज गिवन अ बॉक्स। अब कैंडी प्रोफेसर की तरफ बड़े ही एगरली, मीन उत्सुकतापूर्वक देखी और पूछी, पेंडोरा वाज गिवन अ बॉक्स, और पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया था। सी वाज टोल्ड नेवर टू ओपन इट,
हाँ, पेंडोरा को एक बॉक्स दिया गया था, बोला गया था कि इसको कभी खोलना मत। नाउ पेंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड्स क्वालिटी अलॉन्ग विद क्यूरियासिटी। पेंडोरा के अंदर बहुत सी क्वालिटी मीन्स बहुत से गुण दिए गए थे। क्यूरियासिटी का गुण मतलब उत्सुकता का गुण दिया गया था। इनफैक्ट शी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर। जैसे तुम क्यूरियस हो उसी तरीके से वह पेंडोरा भी क्यूरियस थी। सी वॉज सो इनक्विजिटिव, सी वॉज इनक्विजिटिव अबाउट द बॉक्स दैट सी ओपेंड इट। इनक्विजिटिव मतलब बहुत ही उत्सुक रहती थी बॉक्स खोलने के लिए। आउट ऑफ बॉक्स केम ऑल एविल्स इन द वर्ल्ड। अगर वो बॉक्स खोलती तो बॉक्स में ढेर सारी बुराइयां पड़ी हुई थी, वो बुराइयां बाहर आ जाती। इट इज सेड दैट एट द बॉटम ऑफ बॉक्स ओनली होप रिमेन्ड। इसलिए उस बॉक्स को खोलने से मना किया गया था, क्योंकि बॉक्स खुल जाएगा तो बॉक्स के अंदर जो बुराइयां हैं वो बाहर आ जाएंगी, बाहर दुनिया में फैल जाएंगी। तो इसलिए मना किया गया था बॉक्स को ओपन करने से। लेकिन पेंडोरा जो वुमेन थी उस बॉक्स को खोलने के लिए हमेशा क्यूरियस रहती थी। आगे बढ़ते हैं। सो पेंडोराज बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल। इसका मतलब था कि पेंडोरा बॉक्स को ओपन करना मतलब मुसीबत को इनवाइट करना। कैंडिड जेन फिनिश्ड प्रोफेसर बोगलेड, कैंडिजन प्रोफेसर बोगले को रोकती है। सो वाई डिड माई फादर कॉल मी अ पेंडोरा बॉक्स, आस्क कैंडिजन। फिर कैंडिजन ने प्रोफेसर से पूछा कि फिर ये बताइए कि मेरे पिताजी मुझे पेंडोरा बॉक्स क्यों बुलाए, क्यों कहा। वेल सी हेयर लिटिल गर्ल्स, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, यू आर आल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, एंड दिस गेट यू इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल्स। प्रोफेसर ने बताया क्योंकि तुम भी वैसे ही क्वेश्चन करती हो ताकि सामने वाला परेशान हो जाए, सामने वाला मुसीबत में पड़ जाए, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भी पेंडोरा बॉक्स कहा। कैंडिजन, यू कैन गेट इनटू ट्रबल्स इवन व्हेन यू आर ईटिंग। यहाँ तक कि तुम खाते वक्त भी मुसीबत में पड़ जाती हो, मीन्स खाते वक्त भी तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन चलता रहता है और दूसरों को परेशान करती हो। सो योर पेरेंट्स एंड एवरीवन एल्स नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, दैट्स व्हाई योर फादर कॉल्ड यू पेंडोरा बॉक्स, सेड प्रोफेसर बोगले। इसलिए प्रोफेसर बोगले ने बताया कि इसीलिए तुम्हारे पिताजी तुम्हें पेंडोरा बॉक्स कहते हैं, क्योंकि तुम हमेशा सबको परेशान करने वाली क्वेश्चन पूछती रहती हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लाइन टू लाइन मैच करना। नाउ आई अंडरस्टैंड, आर देयर मोर स्टोरी लाइक दिस, टेल मी सम मोर प्लीज प्रोफेसर, बेग्ड कैंडिजन। कैंडिजन ने प्रोफेसर से विनती की कि प्लीज़ और भी इसी तरीके की कहानी मुझे बताइए, अच्छा लग रहा है। आई विल टेल यू वन मोर एंड अदर यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन, सेड प्रोफेसर ने कहा ठीक है मैं एक कहानी और तुम्हें बताता हूँ। वो क्या था, देखिए स्टूडेंट, पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर किंग हैं, किसी भी चीज को टच करते हैं तो वो गोल्ड में बदल जाता है। वही देखो फिगर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर, लॉन्ग एगो मिडास वाज द किंग ऑफ पेसिनस। बहुत पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम मिडास था। मिडास वाज द किंग ऑफ पेसिनस, पेसिनस के राजा मिडास थे। ही आस्क वन कंपेनियन ऑफ डायनिसस अ गॉड टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ टर्निंग वाट एवर ही टस्ट इंटू गोल्ड। उन्होंने डायनिसस एक गॉड से विनती किया कि मुझे इस ऐसा उपहार दीजिए ताकि मैं जिसको भी टच करूँगा सोने में
बदल जाए में सोना हो जाए। मिडास वाज ग्रांटेड हिज विश, तो मिडास का विश ग्रांट हो गया मीन्स उनकी आज्ञा इच्छा मान लिया गया। सो एवरीथिंग दैट किंग मिडास डस फूड वाटर फ्लावर टर्न इनटू गोल्ड। फिर क्या हुआ, किंग मिडास जिस चीज को भी टच करते सब सोना बन जाता, चाहे वो पानी हो, भोजन हो, फ्लावर हो, कुछ भी हो। ही कुड नॉट इवन इट फूड। अब क्या हुआ, भोजन भी नहीं खा पा रहे थे अब, क्योंकि भोजन को भी टच करते थे तो भोजन भी सोना बन जाता था। देन वन डे हिज डॉटर टच हिम एंड ही वॉज ग्लूमी। गेस व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या हुआ, उनकी बेटी उनको टच कर दी, पीछे से आके पकड़ ली और बहुत ही वो दुखी हो गए। प्रोफेसर कह रहे हैं बताओ कैंडी क्या हुआ होगा फिर। सी टर्न इन टू गोल्ड सेड कैंडी जेन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर। कैंडी जेन स्माइल करते हुए प्रोफेसर को बताई कि वो बच्ची भी अब सोने में बदल गई होगी। नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी इज दैट सेड टू हैव द मिडास टच, एक्सप्लेन प्रोफेसर बोगले। प्रोफेसर बोगले ने कहा तो इसका मतलब कि हर व्यक्ति अपने आप को लकी मानता था जो मिडास के टच में था। प्रोफेसर, बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर, आस्क कैंडीजेन। यहाँ पर बीच में ही बात काटते हुए प्रोफेसर से पूछती है कैंडीजेन, किसी से बताइए कि डॉटर के साथ क्या हुआ। हम आफ्टर मिडास डॉटर वाज टर्न्स इनटू गोल्ड ही हेटेड पावर दैट ही आस्क फॉर। प्रोफेसर ने बताया कि जब उसकी बेटी सोने में चेंज हो गई तो राजा को अपनी पावर पर बहुत ही नफरत घृणा हुई। ही प्रेड टू द डायनोसियस डायोनिस गॉड को प्रे किया, प्रार्थना किया टू टोल्ड मिडास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पेक्टोलस। फिर राजा ने डायोनिसस गॉड से प्रे किया तो उन्होंने बताया हु टोल्ड मिडास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पेक्टोलस। तो डायोनिसस बताया कि अपने आप को पेक्टोलस नामक रिवर में जाकर अपने हैंड को वॉश करो। When King Midas did so, जब राजा ने ऐसा किया, his power washed away, उनकी शक्ति धुल गई, and flowed into the river, शक्ति धुल करके नदी में बह गई, and everything that Midas had turned into gold looked it old form, और जितने भी चीज़ों को राजा ने टच किया था वो फिर से अपने पहले वाले रूप में आ गए। Finished the professor. यस, सडनली कैंडीजन स्टार्टेड क्लैपिंग एंड लॉफिंग। इस तरीके से कहानी ख़त्म हो गई। कैंडीजन तालियां बजाई, हंसने लगी। व्हाट इज सो फनी लिटिल वंस क्विज प्रोफेसर बोगले। क्विज का मतलब यहाँ सेड, आस्क, कहना। प्रोफेसर बोगले ने पूछा कि क्यों इतना हंस रही हो, बहुत मज़ा आया। ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिडास आल्सो टेल अस इट इज़ बैड टू वांट मोर थिंग्स देन वी रियली नीड। उस गर्ल्स ने बताया इसका मतलब कि अपनी आवश्यकता से अधिक की चाहत रखना बुरी बात होती है। दीज ओल्ड स्टोरीज आल्सो आर सो यूजफुल फॉर आवर एवरीडे सिचुएशन, क्लेम्ड कैंडीजिन। और कैंडीजिन ने कहा कि हमारे कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें करना चाहिए। पुरानी कहानियाँ बड़े ही लाभकारी होती हैं, हमको इससे शिक्षा मिलती है। स्माइलिंग प्रोफेसर बोगले रिप्लाइड, मुस्कुराते हुए प्रोफेसर बोगले ने रिप्लाइड उत्तर दिया, यस दे आर, यस हाँ, पुरानी कहानियाँ बड़ी ही शिक्षाप्रद होती हैं, उनसे हमको कुछ सीखने को मिलती है। मिथ्स आर स्टोरी अबाउट द पास्ट। मिथ का मतलब पौराणिक कथाएं, हमारे बीती हुई कहानियों पर बेस्ड होती हैं।
जो कि हमको शिक्षा देती हैं। समटाइम्स दे टेल्स स्टोरी ऑफ द हीरोज ऑफ अ कल्चर, कभी कभी प्राचीन हीरो उनकी कल्चर संस्कृति की कहानियाँ बताती हैं। एंड समटाइम दे आर अबाउट इमेजरी पीपल्स आर क्रिएचर, कभी कभी ये काल्पनिक कथाओं के आधारित पर भी होती हैं। थ्रू दीज स्टोरीज वी लर्न्स अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी एंड आल्सो द वे दे लिव्ड। इस प्रकार से इस कहानियों के माध्यम से हमको जीवन जीने की कला, समाज में रहने की कला का ज्ञान होता है, हमको कैसे रहना है इसका ज्ञान होता है। एवरी कल्चर हैज़ इट ओन माइथोलॉजी, हर सभ्यता हमको एक नई संस्कृति सिखाती है, नई शिक्षा प्रदान करती है। हर माइथोलॉजी मीन्स हर पौराणिक कथाएं हमको कुछ न कुछ सिखाती हैं। दैट इज़ सो वंडरफुल, आई वॉन्ट टू नो मोर, सेड एक्साइटेड कैंडिजन। कैंडिजन ने कहा तो बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्य भरा स्टोरी था, हमको और सुनना है। कैंडिजन, यू गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट वाट अचाइलीज हेल, हरकुलियंस एफर्ट एंड हॉट एज हेड्स मीन। प्रोफेसर ने कहा कि कैंडिजन, अगर तुम्हें और कहानियाँ सुनना है, पढ़ना है, तो जाओ लाइब्रेरी में, वहाँ अचाइलीज हिल की कहानी पढ़ो, हरक्यूलियंस एफर्ट की कहानी पढ़ो, हॉट एंड हेड्स इसका मतलब ढूंढो। कैंडिजन फाइंड फाउंड ग्रीक माइथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग दैट सी वेंट टू द लाइब्रेरी टू फाइंड द आंसर। बड़ी ही एक्साइटेड थी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़ने के लिए, तो वह लाइब्रेरी चली गई पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट, स्टोरी यहाँ फिनिश होता है। अब आप